बेटा चैप्टर एट करेंगे आज इसी बुक का, चैप्टर एट वसंत का। हाँ जी, यह सबसे कठिन समय नहीं, चैप्टर नंबर एट वसंत का। ओके मैम, निकालिए सभी बुक। निकाल ली बेटा बुक? यस मैम। ठीक है, ये कौन दिखा रहा है अपनी बुक? कैमरा ऑफ करो पीयूष। इस कविता की जो रचयिता है, जो है वो एक लेडी है जिसका नाम है जया जादवानी। क्या नाम है बेटा? जया जादवानी। जया जादवानी, हाँ जी, ये कवित्री है बेटा। ठीक है, अच्छा, जो आपको इस चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है, यह सबसे कठिन समय नहीं, क्या इस नाम को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आता है बेटा? यह सबसे कठिन समय नहीं, आता है बेटा कुछ माइंड में? टाइम, हाँ वो तो ठीक है, जो अभी हमारा टाइम है, जो वर्तमान काल है जिसमें हम जी रहे हैं, इसके लिए बोला है कि ये कठिन समय नहीं है। हम चारों तरफ किसी भी इंसान को, किसी को भी काम करते हुए देखते हैं, पशु पक्षियों को, अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हमें नजर आती है, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, वो हमें नजर आती है, उसी को देखते हुए, उन्हीं को ऑब्जर्व करते हुए लेखिका जो ये कह रही है, जो हमारा समय अभी है वर्तमान का है, वो कठिन नहीं है। ये पता चल रहा है इस लाइन से, ठीक है, कि वर्तमान समय जो हमारा है वो हमारे जीने के, हमारे जीवन के अनुकूल है, तो यह समय जो है कठिन नहीं है। ठीक है मैम, आप क्या करा रहे हो बेटा? चैप्टर नंबर एट वसंत का। अपनी बुक खोल लीजिए, स्क्रीन पे आपके पास बुक का पेज आएगा और मैं उसको आपको उसकी व्याख्या करती जाऊंगी। ठीक है? ओके मैम। पाठ आठ है वसंत का, यह सबसे कठिन समय नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। यस मैम, निकाल ली बुक। ठीक है बेटा, मैम कौन सी बुक निकाल रहे हैं? आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बुक? यस मैम। हाँ जी, पाठ आठ वसंत का। बेटा आप क्लास ज्वाइन लेट करते हो और फिर बीच में पूछने लग जाते हो क्या करवा रहे हो, टाइम पे क्लास ज्वाइन करा करो अपने। देखिए बेटा, चैप्टर एट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती, यहां तक बता रही हूँ बेटा, वह उड़ने की तैयारी में है,
यहाँ तक मैं बता रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम कोई भी कविता होती है उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग। और प्रसंग के लिए मैंने आपको चार, प्रसंग लिखने के लिए मैंने आपको चार बातें बताई थी, वो कौन बच्चा बताएगा बताइए। आपकी इससे पहले कविता आ चुकी है, मैंने बताया भी था, बताइए चार बातें कौन कौन सी होती है जिससे प्रसंग बनता है। नेम, पाठ का नेम, मैम पाठ का नेम और बुक का नेम बताया गया है वो मैम, और इसका शीर्षक मैम, लेखक का नेम। हाँ, तीन हो गए, पाठ, बुक का नाम, कविता का नाम और लेखक का नाम, और एक और मैम, और मैम कविता में जो बताया गया है, इसमें कविता में जो बताया गया है, कविता में नहीं बेटा, इन पंक्तियों में, जो पंक्तियां हमें दी गई है उन पंक्तियों के बाहर भाव, ठीक है। इन चारों को, इन चारों को मिलाकर हमारे क्या बनता है, प्रसंग बनता है, ठीक है। तो हम लिखने हैं नोटबुक में? नहीं बेटा, नहीं, प्रसंग ये नहीं लिखनी व्याख्या। व्याख्या नहीं लिखनी, प्रसंग में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां, जो हमारे पास पंक्तियां आई है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में से ली गई है, और इसकी जो रचयिता है वो जया जादवानी जी है। इसमें उन्होंने हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को हमारे जीवन के अनुकूल दिखाने की जो है चेष्टा की है, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट पैराग्राफ, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, कि यहाँ पर जो हमारी कवित्री है वो ये कह रही है कि जो हमारा समय अभी चल रहा है वो कठिन नहीं है। उसने क्या देखा, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, कि उन कवित्री ने जो है एक चिड़िया को देखा और उसकी चोंच में एक तिनका है और वो तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, अर्थात क्या है, वो अपना घर बना रही है। एक एक तिनके से वो घोंसला बनाती है ना बेटा, तो वो अपना घर बना रही है, तिनके को लेकर उड़ने की तैयारी में है, और वह उड़ने की तैयारी में है, मतलब वो अपने जहां पर वो घोंसला बना रही है उस तिनके को वहां पर ले जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर चिड़िया है, चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, तो हमारा वातावरण ऐसा है जिसके, जिसमें हम अपना जीवन जी सकते हैं। एक पक्षी के माध्यम से वो बता रही है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो हमारे जीवन के अनुकूल है। जैसे चिड़िया दिखाई दे रही है, ऐसे उसको लोग भी दिखाई देंगे। आगे देखिए, अभी हम कविता में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसके लिए क्या उदाहरण दिया है कि एक चिड़िया है और उसके मुंह में तिनका है और वो उड़ने की तैयारी में, यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक ठाक है और अपना काम भी कर रही है, इसीलिए कहा गया है कि यह जो है अभी कठिन समय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अभी भी झरती हुई पत्ती, झरती हुई पत्ती यानी कि यहाँ पर इसी लाइन से क्या पता चल रहा है कि हमारे वातावरण में जो है वर्षा का आगमन हुआ है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, कि हमारे जो पेड़ों पर जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदे गिरती है और उन, वो जो बूंदे हैं वो पृथ्वी पर गिरती हैं, तो यानी कि पृथ्वी भी है हमारे पास, पृथ्वी है तो हमारा जीवन भी जो है अभी संभव है। तो थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, यानी कि उस जो पेड़ से एक बूंद गिरेगी पानी की, उसको जगह देने के लिए क्या है, धरती विद्यमान है, यानी कि कोई हाथ उसको पकड़ने के लिए अभी भी है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य क्या होता है बेटा, वह स्थान जहां हमें पहुंचना हो, ठीक है, कि रेलगाड़ी अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, कि लोग जो है स्टेशन पर उस कवित्री को दिखाई दे रहे हैं, लोग एक दूसरी जगह जाने के लिए तैयार है और एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी भी जो है आती जाती रहती है। यानी कि इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि अभी समय जो है कठिन नहीं है, कि लोग बाग जो है अपने गंतव्य स्थान पर आ रहे हैं, जा रहे हैं और स्टेशन पर भीड़ है, तो यानी कि लोग जो है अपना जीवन आराम से अपना व्यतीत कर रहे हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा गंतव्य तक, यानी कि जहां हमें पहुंचना हो वहां पर, मान लो मैं हूं, मैं रेलगाड़ी से कहीं जा रही हूं अपने
मामा के घर जा रही हूँ, चाचा के घर जा रही हूँ, तो जहां हमें पहुंचना है वहां पर हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इन पंक्तियों से ये पता चल रहा है बेटा कि पहली पंक्तियों में तो क्या है कि जहां हमें पहुंचना है, हमारा जो गंतव्य स्थान है, वहां पर हमारी कोई राह देख रहा होगा, हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। नेक्स्ट में क्या बताया, अभी भी कहता है कोई किसी को, यानी कि जो गृहिणियां हैं वो क्या कह रही हैं, अपने जो भी उनके घर में कमाने वाला है वो पैसे कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, ड्यूटी पे गया हुआ है, तो वो जो घर में है वो कह रही है उनसे कि जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो काम पर लोग गए हुए हैं, जब सूर्यास्त होता है, सूर्य जब छिपता है, तो लोग जो है अपने पेरेंट्स की घर पे आने, बच्चे या जो गृहिणी होती है वो उनके वापिस घर आने की वेट कर रही होती है, और वो ये संदेश देती है कि अब सूर्य डूबने का वक्त हो गया है, यानी कि संध्या हो गई है, आप अपने घर पर लौट आई है। तो इस उदाहरण से भी क्या पता लग रहा है कि लोग जो है अपने रोजगार को कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, सभी ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, तो जो ये समय चल रहा है वो हमारे जीने के अनुकूल है, तो यह समय जो है अभी कठिन नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अभी भी कहा जाता है, एक मिनट बेटा मैं दूसरी, देखिए बेटा यहां से देखिए, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अभी क्या है कि इन पंक्तियों से क्या पता चल रहा है कि हमारी जो जीवन है वो अतीत काल से चला आ रहा है, जो पहले कभी हमारी दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, आज वही कहानी हमारे पेरेंट्स सुना रहे हैं, यानी कि उन कहानियों को हमारी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने वाला कोई ना कोई तो रहा होगा। तो हमारा जीवन जो है अतीत काल से ही सरल है, और जो हमारा ये समय चल रहा है वो हमारे जीने के अनुकूल है, अर्थात यह जो समय चल रहा है वो कठिन नहीं है। दुनिया के तमाम बच्चों की अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब ये यहाँ पर क्या बताया है, कवित्री यहाँ पर क्या कहती है कि अभी भी अंतरिक्ष के दूसरे किनारे से एक बस आएगी, यानी कि बच्चे बड़े जो है अपनी कल्पना की दुनिया में खोए हुए रहते हैं, यानी कि सपने देखते हैं, तो उन सपनों को साकार भी किया जा रहा है और किए भी जाएंगे। जैसे अभी मान लो मैं कोई सोच लू कि कभी ऐसी दुनिया आएगी कि हम फोन में से ही किसी को खाने की चीजें भेज दे, हम अभी कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है अतीत में ऐसा ही संभव हो सके। क्या पहले के जो बहुत पहले के लोग थे, क्या कभी उन्होंने सोचा था ऐसा कि हम दूर बैठे लोगों से कभी डायरेक्टली बात कर सकेंगे, नहीं सोचा होगा। आजकल जो बहुत बूढ़े लोग हैं ना, उनको जो ये अपनी वॉशिंग मशीन है ये भी अजीब सी लगती है कि हाँ मशीन धोने की, कपड़े धोने की मशीन भी होती है, इसमें कपड़े धुल जाते हैं। तो ऐसे ही जो हम कल्पना करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अंतरिक्ष के, यानी कि कल्पना की दुनिया से वो हमारे यहाँ पर आ जाती है, कि वो जो हमारे सपने जो हैं साकार होते हुए नजर आते हैं, या उन सपनों को साकार करने की हम कोशिश भी करते हैं। आगे देखिए कि जो पहले के जो, यहाँ पर ये भी बताया बेटा कि लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। कि जो लोग कल्पना करते थे, कल्पना करके जिन्होंने कुछ काम अपना करना शुरू किया, मान लो किसी ने एक मशीन बनाने की सोची और वो मशीन बनाने लग गया और दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की डेथ हो गई, वो मर गया, तो उस काम को करने वाला कोई तो है, यानी कि उसके बचे हुए कामों को कोई ना कोई तो और करेगा, उस काम को पूर्ण करने वाला कोई ना कोई है, तो उस बचे हुए लोगों की खबर, यानी कि जो वो मर गया उसके काम को हमारे तक लाने का कोई ना कोई तो जरिया होगा ना। तो ये सब उदाहरण जो है हमें यही बताते हैं कि यह समय जो है सबसे कठिन समय नहीं है।
ठीक है बेटा, ये आपकी पोयम इतनी ही थी। मैम इसमें शब्दार्थ नहीं है? हाँ शब्दार्थ है ना बेटा, शब्दार्थ दिए हुए हैं बुक में। आप मैम प्रसंग लिखना है इसका, प्रसंग नहीं बेटा। नो मैम नहीं दे रखे, मैम प्रसंग सिर्फ समझा रहे थे। क्या हुआ रितेश बेटा बोलिए। मैम प्रसंग आप सिर्फ समझा रहे थे। हाँ प्रसंग बस मैंने समझाया ही है, इसकी जो व्याख्या है वो नोटबुक में नहीं लिखनी बेटा अभी। मैम इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग तो है ही नहीं। वर्ड मीनिंग नहीं है, वर्ड मीनिंग अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपनी रफ नोटबुक में लिखिए। सभी बच्चे okay, नोटबुक निकाल लीजिए। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है बेटा, अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक साथ लेके बैठा करो। यस मैम। वैसे इसमें है नहीं बेटा वर्ड मीनिंग, दो चार ही हैं जो मैं बोलूं वो आप सबसे पहले लिखिए। झरती, झरती, झरती का लिखिए, झड़ी हुई या गिरी हुई। मैम झड़ी हुई। हाँ झड़ी हुई, झड़ते हैं ना पत्ते, झड़ना वो, झड़ी हुई या गिरी हुई। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, थामना, थामना यानी कि पकड़ना या सहारा देना। मैम एक बार दोबारा बोलना, थामना। थामना का अर्थ है पकड़ना या सहारा देना। नेक्स्ट लिखिए गंतव्य, गंतव्य। अर्थ लिखिए इसका पहुंचने का स्थान। गंतव्य पहुंचने का स्थान, प्रतीक्षा इंतजार, प्रतीक्षा इंतजार। प्रतीक्षा में तय पे बड़ी ई आएगी। प्रतीक्षा इंतजार। अगला लिखिए वक्त, वक्त वक्त वे आधा कहते वक्त समय। नेक्स्ट लिखिए कथा कहानी, कथा कहानी। Yes. अगला लिखिए तमाम, तमाम है, तमाम, तमाम का मतलब होता है yes, सारे, सारे। मैम क्या
तमाम सारे। नेक्स्ट लिखिए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। अर्थ लिखिए इसका आसमान। नेक्स्ट लिखिए खबर। खबर। हाँ जी बेटा। अंतरिक्ष का क्या अर्थ है? अंतरिक्ष का क्या अर्थ है? आसमान। ओके ओके। उससे अंतरिक्ष से नेक्स्ट बोला था मैंने खबर। खबर का अर्थ लिखिए संदेश या समाचार। समाचार या खबर का लिखिए संदेश या समाचार। हो गया? यस मैम। यस मैम। कितने वर्ड मीनिंग हो गए बेटा? कितने वर्ड मीनिंग हो गए? नाइन। ओके बेटा। एक और लिखवा दो। इतने ही है। एक और का क्या करोगे? कौन बोला? पलक। तो मेरे पायल। पायल हो जाएंगे। एक और लिखवा दूं। देख रही हूँ इनमें कौन सा लिखवाऊं। और कठिन लिख लो। कठिन मुश्किल। कठिन उसका अर्थ लिख लो मुश्किल। मुश्किल में छह शब्दम आधा आएगा बेटा। छह शलगम के इस साइड से कह के ऊपर मात्रा जाएगी। कठिन मुश्किल। मैम हो गया। यस मैम। ठीक है बेटा। अब ये जो पोयम थी हमारी, इसमें कवि का उद्देश्य, कवित्री जो थी इसका उद्देश्य क्या है कि वो अनेक जो उसने उदाहरण दिए हैं, जो इस कविता में जो लाइनें आई है, उन लाइनों से आप सभी को ये पता चल रहा है ना कि सभी अपना काम कर रहे हैं, सभी कमाने जा रहे हैं, कोई किसी का इंतजार कर रहा है। कि पक्षी का भी एक उदाहरण दे दिया कि पक्षी भी जो है अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कवित्री जो है यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि कठिन समय तो वो होता है जब हमें जीने के अवसर ना मिले। तो हमें तो जीने के अवसर इन कविता में जो भी लाइनें आई हैं, उन कविता की लाइनों से हमें पता चल रहा है कि हमें जीने के अवसर जो है मिले हुए हैं। कि भगवान ने हवा भी दे रखी है, पानी भी दे रखा है, कि हमारे सगे संबंधी भी हैं, हम उनसे मिलने भी जा रहे हैं, और लोग जो है अपने कामों पर जा रहे हैं, जो गृहणियां हैं वो उनका इंतजार कर रही हैं, कि बच्चे जो है सपने देख रहे हैं, पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं। तो इन सभी बातों से ये कवित्री कहना चाह रही है कि जो है हमारा जो है समय जो है हमारे जीने के अनुकूल है। कि हमें भगवान जो है जीने के लिए सारी चीजें दी हुई है, हवा पानी, प्रकृति में जो फल फूल पेड़ पौधे हैं सभी दिए हुए हैं। तो हमारा समय जो है कठिन नहीं हो सकता। क्लियर बेटा? यस मैम। इजी है बेटा पोयम, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। बस इसमें ये लाइनें जो बताई है इन्हीं के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही है कि जीवन जो है हमारे अनुकूल है, इसलिए स्पष्ट है कि जो है ये जो समय चल रहा है वो कठिन नहीं है। ठीक है।
और बताइए बेटा, ये आपने वर्ड मीनिंग कल फेयर नोटबुक में कर लेने हैं, मैं कल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी इसके, ठीक है? रितेश नहीं है, सॉरी रुपेश, रुपेश मैम आपने कल चैप्टर नहीं भेजे थे। कौन सी चैप्टर नहीं भेजे मैम? 3, 4, 5, 6 मैसेज किया था बेटा आपने? नो मैम। फिर मैसेज नहीं किया तो मेरे को कैसे ध्यान रहेगा बेटा? जिन्होंने मेरे पास मैसेज किए थे मैंने उनको सबको भेज दिया। अभी ऐसे एक बच्चा कोई क्लास में जिसने मैसेज किया हो और मैंने चैप्टर ना भेजा हो, कोई बच्चा है ऐसा? रुपेश मैसेज करना बेटा, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं रहता किसको कौन सा चैप्टर भेजना है। मैंने आपको कल क्लास में भी बोला था, कल क्लास में भी बोला था मैसेज कर देना, यानी कि आपको रिटर्न वर्क करना ही नहीं है रुपेश, है ना? मार्क्स कट जाएंगे आपके, मार्क्स लगेंगे अभी नोटबुक के। और बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। और बेटा सारी क्लास अटेंड करा करो, सारे सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करा करो बेटा। मैम बोलो प्रिया। मैम क्लास लीव कर दें? रुको बेटा एक दो मिनट। अभी बेटा प्राइवेट स्कूल के जो मुखिया होते हैं सारे स्कूलों के, वो कोशिश कर रहे हैं सरकार से, कहीं कहीं पर अपनी वो कर रहे हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि सब कुछ तो खुल गया है तो अपना वर्क वगैरह सभी अपना रेडी रखे। हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें परमिशन दे दे स्कूल खोलने की, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हो सब कुछ ओपन हो गया है, अनलॉक होता जा रहा है सब कुछ, ठीक है? तो अपने रेडी रहो, कभी भी स्कूल खुल सकते हैं आपके, ठीक है? जैसे ही मैसेज आएंगे आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, और अपना काम कंप्लीट रखिए। ये हनी और नितेश, नितेश नितेश मैम बेटा रिटर्न वर्क कंप्लीट है नितेश? यस मैम। हाँ मैं अभी बस इनकी सभी, अभी हमारे पास मैसेज आ जाते हैं सभी की पीडीएफ आएगी हमारे पास पूरी नोटबुक की, उसी के नंबर लगेंगे। फिर अपना काम कंप्लीट रखना सभी। हाँ जी बेटा कर सकते हो लीव, जिन्होंने कुछ नहीं पूछना वो क्लास लीव कर सकते हैं। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। श्रुति काम कंप्लीट है बेटा? श्रुति श्रुति मैम काम कंप्लीट है बेटा रिटर्न? यस मैम। ओके माइक ऑफ करो श्रुति। अनुज अनुज 808 जिसकी आईडी है अनुज, लक्षिता लक्षिता लक्षिता
हाँ जी बेटा प्रिंस, आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट है?